क्या तुम लोग भी परेशान हो गए उन्हीं पुराने मॉब स्ट्रक्चर और बायोम से? एंड तुम्हारा जवाब हाँ ही होना चाहिए, और अगर ना आए तो भागो यहाँ से। मजाक कर रहा था, तुम लोग तो मेरे लिए डॉलर्स I mean भगवान के समान हो। एनीवेज, आज माइनक्राफ्ट बनाएंगे बोरिंग से एडवेंचरस विद द हेल्प ऑफ मॉड्स। नंबर 6, एक्स्ट्रा बायोम्स। ये मॉड डालता है 30+ एक्स्ट्रा बायोम्स, जस्ट लाइक आजकल के एक्स्ट्रा जेंडर्स। एंड ये बायोम्स ऐसे लगते हैं कि गेम का ही पार्ट थे, क्योंकि इनमें काफी ज्यादा डिटेलिंग है। जैसे कि बायोम लाल है तो स्काई का कलर भी लाल है, एंड पानी तक लाल है। पूरा ठेला लाल है। इस पे तो मैं आज तक की न्यूज बना सकता हूँ। केव में मिला लाल पानी, यूट्यूबर बीच में तैरता पाया गया। एनीवेज, इसके अलावा तुम लोग को हर बायो में नई नई वेजिटेशन, ऑफ कोर्स नए टाइप की वुड एंड और भी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। एंड सारी बायो में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लगती हैं, एंड इनको देख के ऐसा लगता है कि मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन हो रहा है। इसके अलावा इसमें काफी सारे स्ट्रक्चर हैं विद डिसेंट लूट। एंड अभी तो रुको, तुम लोग को अजीबोगरीब मॉब्स मिल जाएंगे, जैसे कि गीगा काउ, पापा पिग एंड इंसान खाने वाला चिकन। एंड एक और कैटेगरी है छोटी बच्ची हो क्या हॉस्टाइल मॉब्स। एंड और भी बहुत सी चीजें हैं जो तुम लोग खुद देख लेना। तो अब इतनी सारी बायोम्स में पैदल तो ट्रैवल करोगे नहीं, तो इसलिए मैं लाया हूँ वे पॉइंट्स एड ऑन। एंड क्या हुआ भाई विलेजर तेरे को, तू सैड है? माय टी इज गॉन कोल्ड, आई एम वंडरिंग व्हाई। इस मॉड में तुम लोग को एक बुक मिल जाती है जिसको तुम लोग इस रेसिपी से क्राफ्ट कर सकते हो। बस इस बुक पे होल्ड करो, एंड अब तुम लोग यहाँ से अपने वेपॉइंट का कलर नाम सब सिलेक्ट कर सकते हो। एंड अब मैं आ गया हूँ नेदर में, एंड यहाँ पे मैंने वेपॉइंट लगा दिया, इसका नाम रखा है काली घाटी। एंड एक लगा दिया मैंने अपने घर पे, बाय द वे गाइस मेरा घर कितना सुंदर है ना। एंड अब मैं अपने घर से नेदर में एक क्लिक में जा सकता हूँ। तो अब तुम लोग ना ओवरवर्ल्ड के अंदर गुम हो गए ना नेदर के अंदर। बायोम्स तो होगी, बट किस चीज की कमी है? हाँ, याद आया, बॉसेस की कमी है। वाह क्या एक्टिंग का। तो इसलिए मैंने डाल दिए एक नहीं दो एड ऑन, जो कि काफी खतरनाक, नहीं ऐसे नहीं, काफी खतरनाक बॉसेस ऐड करता है। तो फर्स्ट वाले एड ऑन में तुमको मिल जाएंगे छोटे छोटे बॉसेस, एंड इनको हराना काफी ज्यादा आसान है। लेकिन अब आता है मेन बॉस, द आइस वॉरियर। या तुम लोग देख सकते हो अभी ये बंदा सो रहा है, एंड इसको जगाने के लिए आइस एसेंस लेके इसके पास जाओ, एंड देन रिवाइव का ऑप्शन आ जाएगा। और ये बंदा मिक्सचर है तगड़ी एनिमेशंस और काफी तगड़ी अटैक्स का। तो अब आता है सेकंड बॉस मॉड, एंड इसमें सबसे पहले आते हैं कबीले वाले, जो कि काफी फनी बातें करते हैं। एंड देन आता है इनका महाराजा द सन गॉड, जो कि मेरे ऊपर मुंह से लेजर मार रहा था, बट मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया, क्योंकि तुम लोग को तो पता है मैं। एंड इसके अलावा दो और काफी तगड़े बॉसेस हैं जिनको तुमने पहले भी देख रखा होगा, एंड इनके पास भी अपनी अलग अलग एबिलिटीज और स्ट्रेंथ है, जो कि तुम लोग खुद देख सकते हो। तो अब इतने तगड़े बॉसेस से लड़ने के लिए मैंने डाल दिए उतने ही तगड़े वेपन्स और आर्मर। एंड इस मॉड में तुमको मिल जाते हैं कुछ इतने सारे वेपन्स। एंड इस मॉड के आर्मर काफी ज्यादा मेडिवल थीम पे हैं, एंड लुक्स देखोगे तो एकदम जैकैस है। लाइक मुझे नहीं फर्क पड़ता ये आर्मर काम कितना अच्छे से करते हैं, क्योंकि ये देखने में कुछ ज्यादा ही तगड़े हैं। एंड अगर तुम लोग को वेपन्स देखने हैं तो सारे वेपन्स भी उतने ही तगड़े दिखते हैं। लाइक देख सकते हो इतने खतरनाक शिकार को मैंने कितनी आसानी से मार दिया। एंड इन काफी तगड़े वेपन्स के ऊपर ही एनिमेशन और चार चांद लगा देती है। एंड अब मेरे शेरों, जाओ इन आर्मर्स को लेके और दुश्मन का खात्मा करो। तो नंबर 2 पे आता है घोड़ा गाड़ी। तो अगर तुम लोग को वे पॉइंट से ट्रैवल करना पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने मेडिवल ट्रांसपोर्ट भी डाल दिया। एंड इससे हॉर्स अटैच करने के लिए तुम लोग को बस एक ग्रे हॉर्स स्पॉन करना है, एंड ग्रे हॉर्स मिलने के बाद तुम्हारी कार्ड कुछ ऐसी दिखेगी। एंड ये घोड़े काफी तगड़े गेस्चर भी करते हैं। एंड इसको चलाते टाइम ऐसा लगता है कि असली की कार्ड चला रहा हूँ। हाँ, तुम लोग इसमें स्टोरेज भी लगा सकते हो। एंड अब तुम लोग इन चेस्ट के अंदर सामान भी डाल सकते हो। एंड हाँ, मैं इसी घोड़े गाड़ी से तुम्हें किडनैप कर लूंगा, क्योंकि तुमने अभी तक लाइक करके सब्सक्राइब नहीं किया। नंबर 1, इंप्रूव्ड एनिमेशंस। तो ये बस तुम्हारी एनिमेशन को थोड़ा सही कर देता है। आई मीन टू से ये मॉड तुम्हारी एनिमेशन को इतना तगड़ा कर देता है कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते। जैसे कि स्प्रिंटिंग की एनिमेशन, वेपन्स यूज करने की एनिमेशन, एंड इसके अलावा उड़ने तक की एनिमेशन को चेंज कर दिया। एंड उड़ने की एनिमेशन में काफी फनी चीज है। एंड फ्रंट पर्सन में डिफरेंट वेपन के लिए डिफरेंट एनिमेशन। तो या और किसी मॉड को ट्राई करो ना करो, इसको करना बनता है। तो देवियों और सज्जनों, एक और वीडियो हो चुका है।